सो स्टूडेंट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके डोमेन और उनके रेंज और उनके ग्राफ कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको थोड़ा सा लॉजिकल फ्लो पता रहे, है ना, कैसे क्या हो रहा है ना, कैसे आपकी बेसिक नॉलेज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज उसके ग्राफ में अप्लाई हो रही है ना। तो कुछ इस तरह से देखेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ सारे फंक्शन लिख दे रहा हूँ, है ना, आपको फील करके चलना है। साइन एक्स, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ कि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 पे, है ना, बल्कि मैं तो 2π तक आपको टेबल अपडेट करके दी थी, है ना, अगर आपको वो वैल्यूज याद नहीं है तो आपको ये लगभग लगभग समझ में आएगा नहीं, है ना। तो इसलिए पहले अगर आपको वो वैल्यूज याद नहीं है तो पहले आप उनको याद कर लें। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसका एक वो बना लिया, टेबल बना लिया, एक पेपर पे लगा लिख लिया। मैंने देखा मेरा एक स्टूडेंट थी, उसने क्या करा कि पूरा पूरे साल जो है ट्रिग्नोमेट्री, इवन क्लास 12th में भी क्या करा कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए ना फॉर्मूलों की एक 2 पेज की शीट बना रखी थी, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, सारी वैल्यूज थी, तो जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो उसे देख लिया, ठीक है ना। वो एंड टाइम पर काम नहीं आता, है ना, क्योंकि आप पेपर में शीट तो ले जाओगे नहीं, तो इसलिए आप अभी से ही उसको याद करें और 60% याद करें, 40% वो अपने आप ही क्वेश्चन करते करते क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार एक क्वेश्चन गलत होगा तो एक वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कम से कम आपको 60-70% तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब सुनो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ले लिया मैंने, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, है ना। देखो जिसकी डोमेन लिख रहा हूँ मैं, डोमेन वो वैल्यूज होती हैं, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज एट विच अ फंक्शन इज डिफाइंड, इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। साइन एक्स की डोमेन इज वॉट, एनी नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, है ना, क्योंकि डोमेन इज वॉट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर क्या इसकी डोमेन है। अच्छा, इसकी रेंज, अच्छा एक बात मैंने आपको बताई थी क्या, कि रेडियन एंड रियल नंबर आर द सेम थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखो रियल नंबर का, आप कहोगे सर आपने तो हमें जो एंगल बताया वो रेडियन में है, रेडियन होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, आप तो रियल नंबर रख लो, है ना। मेरी बात सुनो, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि साइन एक्स, आपने कहा साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, लेकिन रियल नंबर कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे तो जो भी चीज़ होगी वो एंगल होगी, है ना, और एंगल आपने बताया हमें या तो डिग्री होना चाहिए या रेडियन होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक बात और भी बताई थी फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कि रेडियन एंड रियल नंबर आर कंसिडर्ड एज द सेम थिंग, दे आर कंसिडर्ड एज द सेम थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिकॉज व्हेन वी हैव टेकन व्हाट, एक सर्कल लिया था हमने, एक यूनिट सर्कल है ना, और इस पे रियल नंबर की एक लाइन ली थी जो कि टेंजेंट थी इस पे, है ना। फिर हमने कहा था कि जब हमने इसको टच कराया तो फॉर वन फॉर दिस वन, है ना, फॉर दिस लेंथ ऑफ आर्क देर इज प्रोपोर्शनली वन रेडियन एंगल, सो वन रियल नंबर कॉरस्पॉन्ड टू वन रेडियन, टू रियल नंबर कॉरस्पॉन्ड टू टू रेडियन, है ना। तो दैट्स वाई रियल नंबर एंड रेडियन आर द सेम थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब बात सुनो, तो साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर है और रेंज क्या होगी, -1 से 1। देखो क्लोज इंटरवल लगा रहा हूँ, चेक कर लो, साइन की वैल्यू कभी -1 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, साइन एक्स की वैल्यू कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो -1 से 1 के बीच में वो वेरी करती है। सेम बिल्कुल हालत है किसकी, कॉस एक्स की, कि कॉस एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज इसकी भी -1 से 1 तक है, ठीक है। कहोगे सर ये कैसे आ रहा है आपका, देखो मैं बताऊंगा आपको, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये 0 हो गया, है ना, और ये लगभग π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, और आगे सोन, है ना, इतना 2π + π/2 डेट इज 5/2, उसके बाद 3π, है ना, एंड सोन चलता रहेगा ये,
देखो साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन एक्स के खिलाफ लिख रहा हूँ, साइन जीरो पे जीरो होता है, ये पॉइंट लगा लिया। पाई बाई टू पे क्या होता है, पाई बाई टू पे कितना होता है, वन होता है, सपोज टी वन है ना। पाई पे कितना होता है, पाई पे कितना होता है, जीरो अगेन। थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन, टू पाई पे अगेन जीरो। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें इन डॉट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर हमने बीच की वैल्यूज ली, पाई बाई फोर पे वन अपॉन रूट टू, तो लगभग कुछ इसका कर्व ऐसे आता है, है ना। ध्यान से देखना, ऐसे। और जीरो से टू पाई के बाद इधर या इधर कितने भी इंटरवल ले लो, ये हर टू पाई के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखो ना ध्यान से, जीरो से टू पाई तक एक टू पाई इंटरवल ले लिया हमने, और टू पाई इंटरवल के बाद देखो अगेन फिर से ये रिपीट करना शुरू कर देगा, फिर टू पाई इंटरवल लिया, फिर ये रिपीट करना शुरू कर देगा। अरे बात समझ लें, इधर भी ले सकते हैं हम, ये चीज अगर इधर ली गई तो ये कुछ इस तरह से होगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए साइन, बिकॉज साइन इज डिराइव फ्रॉम व्हाट, साइनोसॉइडल, है ना। साइनोसॉइडल होती है ना वेव, दैट इज साइनोसॉइडल। दिस इज कोसाइन, है ना, दिस इज टेंजेंट, दिस इज कोटेंजेंट, दिस इज सीकेंट, दिस कोसेकेंट, ठीक है। तो आ रही बात समझ में आपके, इस तरीके से हमने साइन का ग्राफ बनाया है ना। और इसका पीरियड कितना है, साइन एक्स इज व्हाट, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद इंटरवल 2 पाई, पीरियोडिक फंक्शन विद इंटरवल 2 पाई। इंटरवल का मतलब कि हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा। आई बात समझ, अब सुनो, अब कॉस एक्स की बात करते हैं। देखो जी कॉस एक्स, कॉस एक्स के साथ भी अगेन सेम थिंग, जीरो पाई बाय टू पाई। तो अब देखो ना कि जिसका ग्राफ देख रहे हैं हम, ठीक है, अगेन जीरो पाई बाय टू पाई, है ना, सेम एंगल ले लो, थ्री पाई बाय टू फिर टू पाई, ठीक है, फाइव पाई बाय टू थ्री पाई, है ना। इस तरीके से आप पाई बाय टू पाई बाय टू के डिफरेंस में जो है मार्किंग कर लेंगे। अब खुद सोचो आप, कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है। अगेन मैंने आपको कहा अगर वैल्यू याद नहीं है तो आप ग्राफ ही ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या है जी, कॉस जीरो कितना होगा, कॉस जीरो इज वन, यहां से स्टार्ट होगा। और कॉस पाई बाय टू जीरो, आपको पता है कॉस पाई माइनस वन, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, है ना। यहाँ पे थ्री पाई बाय टू पे जीरो, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे जीरो, फिर यहाँ पे वन, फिर यहाँ पे इस तरीके से, बड़ा स्मूथ होता है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चलेगा। तो ये है साइन का कर्व, ये है कॉस का, ठीक है ना। आई बात समझ, अब सुनो, अब टेन एक्स की बात करते हैं। देखो टेन एक्स आपको पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। और सुनो, एक फंक्शन की डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल दोस पॉसिबल वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। लेकिन क्या टेन एक्स उस पॉइंट पे डिफाइन होगा जहां पे कॉस एक्स क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, नहीं डिफाइन होगा। क्योंकि अगर ये चीज जीरो हो गई तो ये टेन एक्स कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसकी डोमेन क्या रही होगी, डोमेन वो रही होगी कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट एंगल्स और एक्सेप्ट द रियल नंबर एट विच कॉस एक्स इज व्हाट, जीरो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं एक बार और बता दे रहा हूं, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वेयर कॉस एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात है ना। तो इसकी डोमेन कितनी होगी, देखो रियल नंबर माइनस, जहां पे कॉस एक्स जीरो होता है वो कौन सा नंबर है, टू एन प्लस पाई बाई टू, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन हो गई, इस हिसाब से देख लो, चेक कर लो। और रेंज इसकी क्या होगी, इसकी रेंज बताता हूँ मैं आपको, इसकी जो रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी,
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। चलो जी अब देखते हैं, इसका ग्राफ बता रहा हूँ मैं आपको टेन एक्स का, है ना, यहाँ पे ज़्यादा ग्राफ नहीं आ पाएंगे तो इसलिए फिलहाल मैं एक तो टेन एक्स का और कॉट एक्स का बना दूंगा यहाँ पे, है ना, उसके बाद सेक एक्स का और कॉस एक्स का मिटा के बनाऊंगा, है ना। तो ये आपको डोमेन क्लियर है इसकी, आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, क्यों करा हमने, क्योंकि कॉस एक्स क्या हो जाता है इस वैल्यू पे जीरो हो जाता है, और टेन एक्स को डिफाइन होने के लिए ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू और ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसे सिमिलरली कॉट एक्स कितना होगा जी, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, वेयर साइन एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसकी डोमेन कितनी होगी, आर माइनस कौन सी वैल्यूज, वो वैल्यू जिस पर साइन एक्स क्या होता है जीरो हो जाता है, और साइन एक्स किस पे जीरो होता है, एन पाई पे जीरो होता है, ठीक है, तो आर माइनस एन पाई ये इसकी डोमेन है, रेंज इसकी भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगी। क्लियर है जी, ठीक, ये आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि एक बार आपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनकी डोमेन उनकी रेंज और उनके ग्राफ को फील कर लिया, ठीक है, तो आगे काफ़ी जगह ये हेल्पफुल है, काफ़ी जगह, है ना, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, स्पेशली क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स में, जब हम वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेन एक्स और कॉट एक्स। अच्छा, साथ ही साथ मैं इसकी डोमेन और रेंज भी लिख दे रहा हूँ, है ना, तो देखते हैं इसको, sec x कितना होगा, वन अपॉन कितना, sec x कितना, वन अपॉन cos x, और इसको डिफाइन होने के लिए, sec x डिफाइन होने के लिए वन अपॉन cos x है sec x, ठीक है ना, cos x शुड नॉट इक्वल टू जीरो, देख लो ना, cos x अगर जीरो हो गया तो sec x अनडिफाइंड हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स माइनस वॉट एट पॉइंट एट विच वॉट cos x इज जीरो, तो यानी कि टू एन प्लस वन फाइव बाई टू रियल नंबर में से, वैसे मैंने वो वाले नंबर हटा दिए जिन पे cos x क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, तो ये इसकी डोमेन हो गई। इसकी रेंज कितनी है जी, रेंज बता देता हूँ मैं आपको, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, अभी इस चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं हम, है ना, उसके बाद ग्राफ की बात करेंगे। फाइनली cos x की बता दें मैं आपको, cos x में क्या होगा जी, वन अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो, सो इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, रियल नंबर में से वो नंबर हटा दो जिन पर साइन एक्स क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, तो आर माइनस कितना एन पाई, और इसकी भी रेंज कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो उस पर ध्यान रखना आप, है ना, आर माइनस एन पाई। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं आपको, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक हर डोमेन में से कुछ माइनस किया है, वो माइनस मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये वो वैल्यूज हैं जिन पे इन फंक्शंस का डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और अगर फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो इज व्हाट, नॉट डिफाइंड, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव एलिमिनेटेड ऑल दोज वैल्यूज फ्रॉम द रियल नंबर्स सो दैट दे मेक्स व्हाट डोमेन, ठीक है, और ये रेंज। अच्छा एक बात सुनो, इनकी रेंज अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे आया ये, इनकी रेंज पे बात करते हैं sec x और cosec x, रियल नंबर में से मैंने ये बात हटा दिए, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, रेंज की बात करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये कैसे आ रहे हैं जी, अब आप एक बात सुनो भैया, sec x कितना होता है, वन अपॉन cos x होता है ना, अब देखो cos x जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हम पहले हटा चुके हैं, है ना, हमने कह दिया कि भैया x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए cos x 0 तो हो नहीं सकता। अब cos x क्या हो सकता है, cos x मैंने अभी बताया क्या हो सकता है, cos x ध्यान से चेक करो, cos x जिंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, माइनस 1 से 1 तक का, तो देखो या तो cos x माइनस 1 रहा होगा या 1 रहा होगा या बीच का कोई नंबर रहा होगा, ऑब्वियसली, तो देखो सुनो, जब cos x माइनस 1 रहा होगा तो sec x की वैल्यू क्या रही होगी, वन अपॉन माइनस वन, माइनस वन रही होगी, जब cos x वन रहा होगा तो वन अपॉन वन क्या रहा होगा, sec x की वैल्यू वन रहा होगा, अभी बात क्लियर, और जब cos x माइनस वन और वन के बीच में कुछ रहा होगा तो आप खुद सोचो, मान लो cos x माइनस वन से वन के बीच में कोई नंबर रहा होगा, अब एक बात सुनो, माइनस वन से वन के बीच में मैं तीन नंबर लेता हूँ, क्या, माइनस 0.5, 0.5, है ना, और
0.1, ठीक है ये नंबर ले लेता हूँ। देखो जी जब 0.1, अच्छा 1 और 0 के बीच में इन्फाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, ये तो मैंने वैसे भी दो ही नंबर लिए, ठीक है कुछ भी हो सकता है। अब आप एक बात सुनो, जब मैं 1/0.1 लूंगा तो आंसर कितना आएगा जी, 10 आएगा, और अगर मैं 0.11 ले लेता तो कितना होता आंसर, 1/0.11 ले लेता सोचो तो कितना होता, 100 ले लिया जी, 9 point something। तो कहने का मतलब मैं ऐसी भी कोई क्वांटिटी ले सकता हूं 0.0000001, जिससे कि इसे काटने के बाद यहां पे क्या आ जाए, ये सारे नंबर्स ऊपर आ जाए। तो एक बात सुनो, अगर 1 के नीचे कोई भी क्वांटिटी 1 से कम है, ध्यान देना, अगर 1 के नीचे 1 के डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी कहां से कहां के बीच में हो, 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो ये हमेशा जो नंबर आएगा ना वो ग्रेटर देन 1 होगा, चेक कर लो। और ग्रेटर देन 1 कहां तक हो सकता है, ये इंफिनिटी तक भी जा सकता है, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैंने 0.001 ले लिया था, देखो ये 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, आंसर कितना आ रहा था, करीबन 10,000 से भी ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये तो 6 जीरो आ गए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, कितना बैठ गया, ये बैठ गया आपका 10 लाख। तो अगर मैं और हटा के यहाँ पे और आगे 0.0001 लगा दूँ तो और बढ़ जाएगा। तो एक बात ध्यान से समझना, अगर 1 के नीचे 0 से बड़ी क्वांटिटी और 1 से छोटी क्वांटिटी आएगी तो ये नंबर हमेशा एक तो 1 से बड़ा होगा और कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। एंड सेम गोज विद व्हाट, अगर एक नंबर है 1/, इसमें एक्स क्या है ग्रेटर देन तो सॉरी लेस देन तो 0 है और ग्रेटर देन -1 है, तो ये नंबर हमेशा -1 से छोटा होगा और कहाँ तक जा सकता है, -∞ तक जा सकता है, ठीक है ना। ये लॉजिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इन दोनों लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या पता चला कि देखो हमने आपको क्या बताया था कि sec x में, ध्यान से देखना, हमने क्या बताया था आपको, sec x equal to 1/cos x, और cos x की वैल्यू सिर्फ ये हो सकती है ना, -1 से लेकर 1 तक, तो जब -1 रहा होगा cos x -1 रहा होगा तो 1/-1 आंसर -1, और जब 1 रहा होगा cos x तो क्या होगा आंसर 1/1, लेकिन अगर 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी रहा होगा तो हमेशा नंबर इससे ज़्यादा आएंगे, 1 से ज़्यादा आएंगे, और 0 से लेके -1 के कोई भी नंबर बीच में रहा हो है ना तो ये क्वांटिटी हमेशा इससे ज़्यादा आएगी, तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो ये है, ठीक है जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो -∞ से -1 union 1 to infinity, ठीक है, मेन थिंग इज दैट कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, ठीक है। अब सुनो, अब हम 10x का और sec x का वो सॉरी cot x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये अपना 0। अब सुनो, 0 π/2 π 3π/2 2π 5π/2 and 3π, है ना। अब सुनो, tan 0 कितना होता है बताओ मुझे, ये tan x का ग्राफ है, ध्यान से देखना, tan x का ये cos x का था और ये sin x का था, tan x tan 0 कितना होता है, tan 0 is 0, क्योंकि sin upon tan 0 कितना होता है, sin x upon cos x ना, तो sin 0 कितना 0 और cos 0 कितना 1, तो 0/1 0, तो tan 0 is 0। tan 90 is not defined in infinity, और धीरे धीरे देखना, tan 30 कितना होता है 1/√3, यानी कि 1/1.7 something, ठीक है, और फिर √3 तो 1.7 something हो गया, तो कुछ ग्राफ इस तरह से चलता है ना, तो tan के ग्राफ कुछ इस तरीके से चलते हैं, ये सपोज इट -π/2 है ना, और ये फिर 10π पे 0 और 3π/2 पे है ना,
ये कभी टच नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। फिर ऐसे ही जो है 2π पे, ठीक है, तो ये 10 का ग्राफ चलता है सर। कैसे? 0 पे 0, पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी, और कुछ इस तरीके से चलेगा, है ना, सेंट्रिकली। देखेंगे कॉटेक्स का ग्राफ, है ना, कॉटेक्स। सबसे पहले देखते हैं कॉट 0 पे क्या है, कॉस 0 अपॉन साइन 0, ओहो नॉट डिफाइंड, चेक कर लो। कॉस एक्स अपॉन, भाई देखो कॉस 0 1, साइन 0 0, तो नॉट डिफाइंड हो गया, चलो जी कोई बात नहीं। उसके बाद 90 पे चेक करते हैं, 90 पे कॉस 90 0, साइन 90 1, तो 0 अपॉन 1 इज व्हाट, 0। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी क्या, कि यहाँ पे ये 90 पे 0 है और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो जैसे देखो आपने tan x का ग्राफ देखा कुछ इस तरीके से, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि cot x का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। वो किस तरीके से होंगे, मतलब उनका जो ओरिएंटेशन है, जैसे इसका ऐसे है तो उसका ऐसे होगा, है ना, तो cot x का ऐसे, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि tan x की वैल्यूज इंक्रीज होती है ना, 0 से पाई बाई 2 के बीच पर, तो ऑब्वियस है क्योंकि वो 1 अपॉन में हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो वो इसलिए 0 से पाई बाई 2 में डिक्रीज होके और फर्दर पाई तक वो डिक्रीज ही चलती हुई, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पाई बाई प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हम इस चीज़ को, जो इंटरवल था, सॉरी ये वाला इंटरवल था, इसको हम इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। देखो ना ध्यान से, कॉर्टेक्स की रेंज आपकी प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी जा रही है ना, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा नहीं देखेंगे इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, हमेशा ये तो इंटरवल है, और इंटरवल हमेशा कैसे कम से ज़्यादा की ओर लिखा जाता है, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ओके। ऐसे ही ये है ना, और ऐसे ही ये, ठीक है। ये था हमारा कॉर्टेक्स का ग्राफ, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सेक एक्स की और कॉस एक एक्स की ग्राफ की। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, सेक एक्स का ग्राफ। बिफोर दैट एक बात बतानी है कि ये जो कॉर्टेक्स है, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये 0 से पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, बट इनका जो पीरियड है जिसके बाद ये रिपीट करते हैं वैल्यूज, दैट इज पाई ओनली, है ना। वहाँ पे क्या था, 0 से 2π के बाद रिपीट करना शुरू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 0 से पाई के बाद में, है ना। बेसिकली हमें 0 से पाई की बात नहीं करनी है, हमें उस इंटरवल, उस लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करनी है जिसके बाद ये रिपीट करते हैं, ठीक है ना, तो डेट इज पाई। तो टेन एक्स और cot x दोनों पीरियोडिक फंक्शन है विद इंटरवल व्हाट, पाई। पाई के बाद क्या करते हैं, टेन एक्स और cot x दोनों रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और बात सुन, अब sec x देखते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भैया क्या tan x पीरियोडिक फंक्शन है, तो आप कहेंगे यस, तो कह लेंगे इसका पीरियड बताओ, तो आप पाई बताएंगे। आप ये नहीं बताएंगे 0 से पाई, आप क्या बताएंगे, पाई। पाई इज दैट इंटरवल, उसके बाद क्या होता है, वैल्यू उसकी रिपीट होनी शुरू हो जाती है। आपसे कोई पूछे sin x पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ जी है, तो आपसे पूछेगा क्या इंटरवल है, तो आप 0 से 2π नहीं बताओगे, आप बताओगे 2π इसका इंटरवल है। मैं कह रहा हूँ ना, इंटरवल लेंथ ऑफ इंटरवल की बात कर रहे हैं, है ना। हम पीरियोडिक फंक्शन में किस बात, किसकी बात करते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल की, जिसके बाद क्या हुआ, फंक्शन रिपीट करना शुरू कर दे। अब सुनो, sec x है, देखो sec x की डोमेन आपको पता है क्या, कि ये जहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है वहाँ पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं करेगा, है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कहाँ पे है जी, एक तो ये हो गया, एक 3π/2 हो गया, और एक 5π/2 हो गया, है ना, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं करेंगे। अच्छा थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें लिख देते हैं, 0π/2 ये पाई हो गया, ये 2π हो गया, ये 3π/2 हो गया, है ना। कुछ लोगों को तो बोरिंग लग रहा होगा ये टॉपिक ही, बट स्टिल अगर आपको इंजीनियरिंग में आगे कुछ कैरी करना है ऐसे, है ना, तो समझना चाहिए आपको। तो पाई बाई 2 पाई, 3π/2 2π, 5π/2 3π हो गया। अच्छा यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, तो एक बात सुनो, sec 0 की बात करते हैं, cos 0 इज़ व्हाट, 1, ठीक है, और
कॉस जीरो इज व्हाट, वन, तो सेक जीरो पे कितना होगा, वन, तो यहाँ पे तो हो गया ये वन, ये सपोज दैट ये वन मान लिया। अब एक बात ध्यान रखना, इनकी वैल्यू सेक एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा होती है ना, या माइनस वन से कम होगी, ये बात ध्यान रखना। हमने क्या कहा, या तो वन से ज्यादा होगी या माइनस वन से कम होगी, बस। और आपको पता है यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कहीं इन्फिनिटी पे जा रही होगी, तो आपको कुछ इस तरह के अपवर्ड पैराबोलाज बनाने हैं, है ना। जैसे जीरो से, जीरो पे वन है इसकी वैल्यू, ये वन है, पाई बाई टू पे डिफाइन ही नहीं है, इन्फिनिटी जाएगा, है ना, तो इस तरीके से। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, देखो आपने बेसिकली क्या करा, यहाँ पे जो पार्ट था, ये जो पार्ट था इसको इन्वर्ट कर दिया। देखो ध्यान से, ये चीज़ हो गई, क्योंकि cos x क्या होता है, sec x का रेसिप्रोकल होता है, sec x क्या है, cos x का रेसिप्रोकल है। तो हम अगर इस पोर्शन की बात करें, किसकी, जीरो से पाई बाई टू तक, तो क्या हुआ, ये जो चीज़ थी ऐसे वो इन्वर्ट हो गई। अब सुनो आगे, हमें ये पता है कि अगर हम देखें cos, सॉरी sec पाई, पाई पे cos पाई कितना होगा, माइनस वन, है ना, तो sec पाई कितना होगा, माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे सपोज दैट ये माइनस वन है यहाँ, अब यहाँ से ये ऐसे इनवर्ट, ठीक है। अगेन इस पे फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, थ्री पाई बाई टू पे, मैंने बता दिया आपको, ऐसे ही यहाँ पे टच नहीं करेंगे ना, टू पाई पे अगेन वैल्यू वन, और इसके बाद ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको sec x का ग्राफ बना, एंड सिमिलरली आप cos x का भी ग्राफ बना सकते हैं, कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। cos x का ग्राफ है ना जी, cos x, देखो cos x जीरो हमने कहा है वह पहले भी कि r माइनस एल पाई, यानी कि जीरो तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि साइन जीरो पे, साइन जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पे cos x डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात तो चीज़ क्लियर हो गई कि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता, उस पॉइंट की, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, तो डैट मीन्स इन्फिनिटी को टेंड करेगी, है ना। अब देखते हैं 90 पे, है ना, दूसरा हमने देख लिया 90 पे, फिर पाई, आपको हर पॉइंट पे चेक करना है। और एक बार बता दूं मैं आपको, आपको आइडिया काफ़ी चीज़ों से हो जाएगा, कैसे, एक तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है आपको, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, उस पॉइंट पे फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, जैसे जीरो पे फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड करेगा। 90 पे कितना है, देखो 90 पे कितना है, साइन 90 वन, वन अपॉन वन, तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे फंक्शन कुछ इस जगह रहा होगा, इस जगह रहा होगा। अच्छा, मैं चाहता तो मैं इन सबको हटा के बहुत फ्रेश फ्रेश ग्राफ भी बना सकता था, बट मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स इसीलिए बनाए रखे क्योंकि हल्का सा मुझे आइडिया हो रहा है, क्या, देखो हल्का सा आइडिया ये हो रहा है। अच्छा, पाई पे देखते हैं पहले क्या है, साइन पाई जीरो अगेन, अगेन इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके इस इंटरवल तक ये जो चीज़ ऐसे थी ना, ठीक है, बस बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगी। सेक एक्स में भी ये चीज़ आप नोटिस करते कि इस इंटरवल से इस इंटरवल तक ये था। हमें करना क्या है, देखो अगर आपको कॉस, सॉरी सेक एक्स का ग्राफ चाहिए, तो आप इस इंटरवल से इंटरवल तक इसको इन्वर्ट कर दो, इससे इससे इसको इन्वर्ट कर दो, यहाँ से यहाँ तक इसको इन्वर्ट कर दो, तो ऐसे ही साइन एक्स के उल्टा कॉस एक्स है। तो हमने क्या करना है, जीरो से पाई तक यहाँ जो ऐसे कर्व था, इसको एग्जैक्टली यहाँ से उठा के बिल्कुल पलट दिया, तो देखो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ ऐसे थी, तो ये माइनस वन अगर यहाँ है तो आपको ऐसे इन्वर्ट कर देना, ठीक है। फिर आ गए टू पाई से थ्री पाई तक, ये चीज़ ऐसे थी, वन से उठा के आप इसको क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। ये चीज़ मैंने जो है इसलिए बनाए रखी है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देयर डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, ठीक है। और होपफुली ये क्लियर होगा, ठीक है, नहीं क्लियर होगा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और मैं आपको ग्राफ बताता चलूँगा कुछ क्वेश्चंस में, है ना, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, ठीक है, लिखें क्लियर नहीं हुआ सर।
तो करते हैं उसके बाद कुछ। चलो जी नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, है ना। लेट्स प्रोसीड टू दैट। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।